Subscribe and press the bell icon for latest update. गुजरात में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन उसके कई कारण हैं। ऐसे में सवाल ये है कि गुजरात की हार को नैतिक जीत मानने वाले कांग्रेस के नेता 2019 में राहुल के किले को कैसे बचा पाएंगे। बात अमेठी की हो रही है, जहां से राहुल लोकसभा सांसद है। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने जोरदार टक्कर दी थी। राहुल की जीत का अंतर काफी कम हो गया था। अब राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर रायबरेली को चुनेंगे। सोनिया गांधी संन्यास ले लेती हैं तो रायबरेली की सीट खाली हो जाएगी। अमेठी में लगातार खड़े हो रहे हैं। मुकाबले को देखते हुए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगले लोकसभा चुनाव में रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के दो नुकसान हैं। एक तो जनता में संदेश जाएगा कि हार के डर से राहुल ने अपनी सीट बदली है। दूसरा ये भी स्थापित हो जाएगा कि राहुल और कांग्रेस ने अमेठी में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर राहुल रायबरेली से लड़ते हैं तो बीजेपी को मौका मिल जाएगा उन पर हमला करने का। राहुल पर भगौड़े का टैग लगा दिया जाएगा, इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर सकता है। ऐसे में साफ हो कि राहुल अमेठी की सीट नहीं छोड़ेंगे, भले ही उनको कितनी भी टक्कर मिले। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।